हार के बाद रोहित भावुक सिराज को साथियों ने संभाला, कोहली निराश दिखे, अनुष्का ने गले लगाया वर्ल्ड कप फाइनल के मोमेंट्स। नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल में भारत को ऑस्ट्रेलिया ने 6 विकेट से हराया और छठी बार वनडे वर्ल्ड कप का खिताब जीत लिया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में टीम इंडिया टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 240 रन पर ऑल आउट हो गई। 241 रन का टारगेट ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने 43 ओवर में 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। फाइनल मुकाबले से पहले भारत के पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने विराट कोहली को अपनी जर्सी दी, वहीं ट्रेविस हेड ने शानदार कैच लिया। मैच के दौरान एक फिलिस्तीन समर्थक मैदान में घुस आया, वहीं दूसरी पारी में स्मिथ रिव्यू नहीं लेने की वजह से आउट हो गए और लाबुशेन को जीवन दान मिला। फाइनल में हार के बाद कप्तान रोहित शर्मा, मोहम्मद सिराज समेत भारतीय टीम के खिलाड़ी आंसुओं में दिखे, जबकि विराट कोहली भी उदास लग रहे थे। वे मैच के बाद वीआईपी बॉक्स में पत्नी अनुष्का से मिले तो उन्होंने गले लगा लिया। सचिन ने कोहली को अपनी आखिरी वनडे जर्सी दी। सचिन तेंदुलकर ने वर्ल्ड कप 2023 फाइनल से पहले विराट कोहली को अपनी जर्सी दी जो उन्होंने अपनी आखिरी वनडे में पहनी थी। जर्सी पर सचिन ने साइन किए। जर्सी के साथ ही सचिन ने विराट को एक लेटर भी दिया जिसमें लिखा, विराट आपने हमें गौरवान्वित किया है। सचिन ने भारत के लिए आखिरी वनडे 18 मार्च 2012 को पाकिस्तान के खिलाफ खेला था। इस मैच में विराट कोहली ने 183 रन बनाए थे। सचिन अपनी आखिरी पारी में 52 रन बनाकर आउट हो गए थे। सचिन तेंदुलकर ने ट्रॉफी प्रेजेंट की। सचिन तेंदुलकर फाइनल से पहले वनडे वर्ल्ड कप की ट्रॉफी लेकर अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम पहुंचे। सचिन 2011 वर्ल्ड कप विनिंग टीम इंडिया का हिस्सा थे। इससे पहले वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए भारत न्यूजीलैंड मैच में भी सचिन ने ट्रॉफी प्रेजेंट की थी। गिल पहली बॉल पर बचे, तीसरे ओवर में भारत के सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल को जीवन दान मिला। इस ओवर में शुभमन को मैच की अपनी पहली बॉल खेलने का मौका मिला। जॉस हेजलवुड ने गिल के ऑफसाइड में बॉल की जो उनके बल्ले के किनारे लगकर विकेट के पीछे चली गई। बॉल का पेस कम नहीं होने की वजह से विकेट कीपर और स्लिप में खड़े फील्डर दोनों ही इसे कैच नहीं कर सके। ट्रेविस हेड ने लिया शानदार कैच। ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड ने शानदार कैच लेकर भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को आउट किया। पावर प्ले के आखिरी ओवर यानी 10वें ओवर में ग्लेन मैक्सवेल गेंदबाजी करने आए। ओवर की चौथी बॉल पर मैक्सवेल के सामने रोहित ने आगे बढ़कर शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन बॉल उनके बल्ले से लगकर कवर की और हवा में चली गई। कवर पॉइंट पर फील्डिंग कर रहे ट्रेविस हेड ने दौड़ लगाकर कैच लपक लिया। स्टीव स्मिथ आउट हुए, रिव्यू नहीं लिया, बाद में देखा तो नॉट आउट थे। जसप्रीत बुमराह की गेंद पर स्टीव स्मिथ आउट हो गए। 7वें ओवर की आखिरी बॉल पर बुमराह ने स्मिथ को ऑफ कटर स्लो गेंद फेंकी, स्मिथ चकमा खा गई और बॉल उनके पैड्स पर जा लगी। भारतीय खिलाड़ियों की अपील पर एम्पायर ने इसे आउट दिया। स्मिथ ने नॉन स्ट्राइक पर खड़े अपने साथी ट्रेविस हेड के इशारों पर रिव्यू लेने के बारे में पूछा। इस पर हेड ने उन्हें रिव्यू लेने से मना कर दिया। आउट होने के बाद रिप्ले में देखा गया कि इंपैक्ट ऑफ स्टंप के बाहर था और स्मिथ नॉट आउट थे। अगर स्मिथ रिव्यू लेते तो आउट होने से बच जाते। विराट ने ली लाबुशेन की स्लेजिंग। ऑस्ट्रेलिया की इनिंग्स में 9वें ओवर के बाद जब ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 51-3 था, तब ओवर ब्रेक के दौरान विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के बैटर मार्सन लाबुशेन की स्लेजिंग ली। इस दौरान विराट ने लाबुशेन को घूरा और फिर उनसे कुछ बोलते भी नजर आए। वर्ल्ड कप के फाइनल में टीम इंडिया के हार पर कप्तान रोहित शर्मा ने कहा कि हमने 20 से 30 रन कम बनाए, आज हमारा दिन नहीं था और हमने अच्छी बैटिंग नहीं की। रोहित ने हेड लाबुशेन की शतकीय साझेदारी को ऑस्ट्रेलिया की जीत का श्रेय दिया। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।